का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। जैसे कि आपको लाइव प्रोग्राम में बताया, लाइव प्रोग्राम ज्यादा देर तो नहीं चला, फिर भी उसमें हमने बताया कि आपको जॉब से रिलेटेड वीडियो तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जितने भी वेबसाइट हैं, वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप जरूर कमेंट करिए कि आपको वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। जानकारी देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि जैसे कि हमने एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक आपको वीडियो दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में निकली राशन डीलर भर्ती। मध्य प्रदेश के 144 जनपद पंचायत में निकली है भर्ती, इसके ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मोबाइल में क्रोम ब्राउजर, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और आप लैपटॉप कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एम राशन मित्र यहाँ पर ये वेबसाइट पर आ जाना है। पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में हो जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, नवीन उचित मूल्य दुकान है तो पंजीयन के लिए आवेदन करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने विज्ञप्ति तो देख ली होगी, अगर नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरे 184 जनपद पंचायत में कैसे देखना है वो सभी आपको बता दी गई। यहाँ पर उचित मूल्य दुकान के पंजीकरण पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। दोस्तों, नवीन उचित मूल्य दुकान है तो आपको राशन डीलर की भर्ती के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि आवेदक की संस्था का प्रकार, अगर आप किसी इनमें से किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संस्था है, हम आपको बता देते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक कृषि शाख, सहकारी समिति, सहकारिता विभाग, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, महिला स्व सहायता समूह। जैसे मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में ये सभी जो समितियां हैं ये कार्यरत हैं, अगर इनसे आप जुड़े हुए हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं इसमें से। मध्य प्रदेश 780/1900 धारा की अंतर्गत उपभोक्ता सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, स्व सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, सहकारिता समिति, इनमें से आपको जो 8-7-8 समिति दी गई इसमें से किसी भी समिति में एक जुड़ना है। ठीक है, उस समिति को सिलेक्ट कर लेना है आपको और फिर आपको आवेदक, यहाँ पर आवेदक संस्था का नाम जो आप उन्होंने संस्था रखा, जैसे महिला स्व सहायता समूह है, किसी ने इसका नाम बदल के रख दिया है, ठीक है, महिला स्व सहायता में तो ये है, ठीक है, किसी ने अपने समूह का खुद का नाम रख लिया हो। आप आवेदक की संस्था जो पंजीयन, जो आप जिससे जुड़े हों उसके पंजीयन क्रमांक भी रहता है, और जिला यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद अपना नगर पालिका, जनपद पंचायत जो भी आपका अंतर्गत आता है उसे सिलेक्ट कर लेना है, आपका गांव सिलेक्ट कर लेना है, आपका गांव में वार्ड सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको जो सब है वो आवेदक का कार्य क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार्य क्षेत्र में आपको कार्य करना पड़ेगा, कार्यालय का पता आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, पूरा वीडियो समझ के जाना है, ठीक है, कोई गलती मत करना फॉर्म भरते समय। संस्था के अध्यक्ष जो किसी जो भी जिस भी समिति से आप जुड़े हुए उसे संस्था के अध्यक्ष का नाम डालना है, पूरी यहाँ पर अध्यक्ष की जानकारी यहाँ पर आपको डालना है, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, निवास का पता, पिता का नाम, यह सभी डालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा फिर स्क्रॉल डाउन ऑन करना है। जिस दुकान हेतु संस्था हेतु आवेदन कर रहे हैं उसे महिला संस्थाएं तो आरक्षित होने की दशा में क्या आवेदक संस्था आरक्षित महिला श्रेणी के अंतर्गत दुकान प्राप्त करनी चाहिए, अगर आप किसी आरक्षण के अंतर्गत हैं तो यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है, बढ़ना नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। प्रबंधक की जानकारी, प्रबंधक में ना आपका नाम आएगा कि आप कौन चलाना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर पिता पति का सब आपको डाल देना है। आवेदक संस्था के दुकान या गोदाम का पता, कहाँ पर दुकान खोलना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कहाँ नहीं खोलना चाहते उसकी आपको जानकारी भर देनी है, किराए का है या स्वयं का है, ठीक है, उसको भरने के बाद यहाँ पे आपके बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है, बैंक खाता ना डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पर आपको अंश पूंजी, ये अगर आपको संस्था की पूंजी, आपके संस्था के बैंक अकाउंट में कोई पूंजी है या टर्नओवर जो महीने का रहता है वो है तो डाल देना है।
ठीक है। और यहाँ पे वर्तमान में संस्था द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का स्वरूप क्या, आपके संस्था द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या नहीं किए जा रहे हैं, वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने जिस ग्राम पंचायत का आवेदन करना है उसे चुन लेना है। आपको यहाँ पर अपने जिला सिलेक्ट कर लेना है, जनपद पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जनपद पंचायत सिलेक्ट करने के बाद जिस गांव के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और सेव एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट जब जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आवेदन फाइनल सबमिट के लिए आ जाएगा, आपको फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। और जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको SMS के माध्यम से या फिर आपको कॉल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा या फिर अध्यक्ष को सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोसेस है। नवीन उचित मूल्य दुकान हेतु, अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान के आवंटन प्रणाली हेतु आपको जो राशन डीलर की भर्ती उसके लिए जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से भरना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप स्पष्ट हो गए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि किस किस जगह पर राशन डीलर की भर्ती खाली है तो यहाँ पर आपको जो वीडियो में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से हम देख सकते हैं उसकी डायरेक्ट आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।